इन दिनों सुर्खियों में छाई रहने वाली कांग्रेस नेत्री नूरी खान उज्जैन शहर में शिलान्यास करने आए शिवराज सिंह चौहान पर कई सवाल निशान खड़े करे हैं। तो आइए सुनिए सिटी चैनल से खास बातचीत में क्या कुछ कहा नूरी खान ने। आइए चलते हैं नूरी खान से खास बातचीत में। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के दौरे पर हैं और सोयाबीन और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन करना शिवराज सिंह चौहान की नियति बन चुका है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के पहले भी उन्होंने 19 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था, जो कि कोरोना की लहर के वक्त जब लोगों की जान जा रही थी तो 2 से 3 ऑक्सीजन प्लांट भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाए थे। और आज जिस तरीके से उज्जैन की जनता के सामने जल संकट आकर खड़ा हो गया है, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के लिए करोड़ों रुपए की राशि शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वीकृत की थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से, क्या वो योजना जो थी आपकी नर्मदा शिप्रा लिंक योजना, वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुकी है? और अगर उस योजना के तहत काम हुआ था तो आज नर्मदा का जल शिप्रा में क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी शिप्रा में खान नाले सहित 16 गंदे नालों का पानी मिल रहा है। ऐसे में पवित्र शिप्रा मैया आज शिवराज सिंह चौहान से स्वयं सवाल कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में भांजिया सुरक्षित नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी नेमावर नहीं गए, आदिवासी परिवार के साथ खड़े नजर नहीं आए। अलीराजपुर, धार की बेटी या ग्वालियर की 4 से 5 मासूम बेटियां जिनके साथ ज्यादती की गई, लेकिन शिवराज मामा ने चुप्पी साध कर रखी। शिवराज सिंह चौहान जी से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी नर्स बहनें जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाई, आज वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। हमारी आशा कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। तो न तो आपने प्रदेश में कोरोना योद्धाओं को मुआवजा दिया, ना ही कोरोना पीड़ित परिवार की मृत्यु होने पर उन्हें मुआवजा दिया गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रदेश की जनता के साथ न्याय कीजिए, सिर्फ उद्घाटन करने से काम नहीं चलेगा। आज मध्य प्रदेश की बेटियां, शिप्रा नदी और कोरोना योद्धा आपसे सवाल कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। धन्यवाद।